हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम एक और स्पेसिफिक मोर स्पेसिफिक स्टडी टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है कि स्टडी शेड्यूल तो हम सब बना लेते हैं, पढ़ते भी हैं जोश जोश में, दो दिन तीन दिन भी नहीं चलता और उसके बाद वो सब कुछ बंद कर देते हैं, उसी चीज़ पर आ जाते हैं जो हम पहले कर रहे थे, जैसे हम थे उसी पर आ जाते हैं, मतलब हमारे हैबिट्स चेंज नहीं होते। इसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसा है तो कैसे कीजिए। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करो। जैसे ये मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक है, इसके अंदर सोना है, ठीक है, और मुझे ये चीज़ पता है कि मैं इस पर 100 चोट मारूंगा ना, तब जाके ये टूटेगा और तब जाके सोना निकलेगा डेफिनेटली। बट मैं क्या कर रहा हूँ इस पर कि 20 चोट मार के थक जा रहा हूँ कि नहीं यार अब बहुत है, या मैं 50 चोट मार के थक जा रहा हूँ फिर बहुत है। और यदि सारे अटैम्प्ट को देख लिया जाए तो मैंने 100 से ज़्यादा बार इसके ऊपर प्रहार भी कर चुका है, बट कंडीशन क्या है कि एक साथ ही 100 बार इस पर चोट मारनी है तब जाके सोना निकले। कुछ ऐसा होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ध्यान से समझिएगा। कंसिस्टेंसी स्टडी में बहुत ज़रूरी है, यदि उसको ब्रेक किया तो पुरानी चीज़ फिर से नई हो जाएगी सब कुछ, और जो आपको फिर से उतना ही समय लगाएगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ 3 स्टेप्स में मैंने बताने की कोशिश की है। पहली बात कि आप है ना जो मंथली टारगेट मत बनाइए, वीकली टारगेट बनाइए कि इतना एक वीक में ये सब्जेक्ट मैं कर दूंगा, फिर डेली टारगेट बनाइए, ठीक, और फिर एक टारगेट को भी डेली वाले को भी और छोटे छोटे टारगेट्स में कन्वर्ट कर दीजिए कि आज 3 घंटे की मैं स्टडी करूंगा, 3 सीटिंग करूंगा, उसमें मैं ये चीज़ें पढ़ूंगा। दूसरी बात, जैसे ही वो टॉपिक हो जाता है, अब पढ़ना कैसे है इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा, कि जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है उसको आप चेकलिस्ट रखिए, उसके अंदर चेक कर दीजिए कि हाँ ये मेरा कंप्लीट हो गया, इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। दूसरी बात, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। चलो ये भी हमने कर लिया, ठीक है, बात सही। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, 2 दिन तक ये कर लेते हैं और उसके बाद वो फेज आता है मेन वाला। कौन सा वाला फेज, कि भाई आज स्टडी नहीं होगी। तो देखो हम मान लो 5 घंटे पढ़ने वाले और ऐसा फेज आ गया कि हम 3 घंटे नहीं पढ़ पाए, बट अभी 2 घंटे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये 2 घंटे मत जाने दीजिए, ये 2 घंटे पढ़ लीजिए। बट मान लीजिए कि ऐसी बात आ गई कि 5 ही घंटे नहीं पढ़ पाए आज, तो कोई बात नहीं, मत घबराओ, आज नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, इमरजेंसी आएगी जो भी आएगी, कल के लिए तैयार हो जाइए। आज का जैसा दिन कल ना गुजरे, आज जो नहीं पढ़े हो कल ना पढ़े, ऐसा ना हो। यदि हो गया ना, फिर कंटिन्यूटी बनाना बहुत मुश्किल काम है। 1 दिन का तो स्टूडेंट रिवाइज कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, तो ये मेन चीज़ है। यदि 2-4 दिन पढ़ के ही आप रुक जाते हो ना, तो ऐसा समय आने मत दीजिए और टारगेट वही बनाइए जो आपसे अचीव हो जाते हैं, अचीवेबल हो, टाइम बाउंडेड हो, मीजरेबल हो, ऐसी चीज़। ऐसा नहीं हो कि हमने बना लिया कि 2 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, 2 सब्जेक्ट में क्या पढ़ लेंगे, वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए, आज क्या पढ़ेंगे वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए, तब जाके पता लगेगा कि आप ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये मेन चीज़ है कि आज नहीं पढ़े तो कल वो दिन ना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और यदि 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 नहीं पढ़े तो कम से कम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 2 तो कम से कम पढ़िए, ठीक है, आपको सेटिस्फिकेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा, जिससे आप नेक्स्ट डे भी स्टडी कर पाओगे। और स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम से रिलेटेड है, नॉर्सेट से रिलेटेड है, कोचिंग से रिलेटेड है, आप हमें कमेंट करके बताएं, हम डेफिनेटली इसके ऊपर और वीडियोज लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।